हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आई बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पसोपेश में है। सीएम के नाम की उलझन को दूर करने के लिए पार्टी ने दो पर्यवेक्षकों को हिमाचल भेजा, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर किसी के नाम पर भी मुहर ना लगा सके, क्योंकि पहले सीएम उम्मीदवार बनाए गए प्रेम कुमार धूमल और सीएम की रेस में आगे चल रहे जयराम ठाकुर के समर्थक ही आपस में उलझ बैठे। दरअसल सीएम के चेहरे पर मुहर लगाने के लिए दिल्ली से आए बीजेपी पर्यवेक्षक केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र सिंह तोमर शिमला में बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करने जा रहे थे, लेकिन तभी प्रेम कुमार धूमल और सिराज के विधायक जयराम ठाकुर के समर्थकों ने पर्यवेक्षकों का घेराव कर दिया। धूमल के समर्थकों ने नारे लगाए कि पूरा हिमाचल बोल रहा है, धूमल धूमल बोल रहा है। धूमल के अलावा कोई मुख्यमंत्री मंजूर नहीं, भले ही धूमल चुनाव हारे हैं, लेकिन हमारे नेता वो ही बनेंगे। वहीं सीएम की रेस में आगे चल रहे जयराम ठाकुर के समर्थकों ने कहा कि जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इस लिहाज से उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। समर्थकों की इस नारेबाजी के बाद पर्यवेक्षक वापस दिल्ली लौट आए। इसके बाद अब गेंद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड के पाले में है। इसका मतलब है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा दिल्ली से होगी। हालांकि चुनाव हारने के बाद प्रेम कुमार धूमल की दावेदारी कमजोर पड़ी है, लेकिन उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता देखना चाहते हैं, इसलिए तीन विधायकों ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा भी की है। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी किसे सीएम बनाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।